खैर भाजी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पार्टी का टिकट मिल चुका है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी बिट्टू, हाँ मैंने बुलाया, आजा। क्या हुआ बिट्टू, क्या हुआ? दादी हाँ? पैर ऊपर कर, ये जीता रहा हूं मैं। झुक के आशीर्वाद नहीं ले सकता था? झुक के आशीर्वाद, पिछली बार झुक के आशीर्वाद लिया, मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया इसने। देख दादी, तेरे को कुछ खबरी देनी है। क्या? मेरे को पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। टिकट? यस। मुझे भी दिला दे, मैं भी पार्टी में जाऊंगी, फिर झूम के खटका 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 खटका। क्या है पार्टी, क्या है पार्टी? और दादी क्या बातें कर रही है, पार्टी वाली पार्टी नहीं है? मुझे इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला है। अच्छा समझी, तो तू मुझसे वोट लूट रहा है। कान खोल के सुन ले बिट्टू, भले ही मैं हमेशा टुन रहती हूँ, लेकिन फिर भी होश में रहती हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक, और आम नागरिक के पास एक ही हथियार है, वोट। और वोट मैं उसे दूंगी जो मुझे खंबा ला दे। लाना था तेरे जैसी सोच के ऊपर। अरे अपनी वोट को एक दारू के खंबे के बदले में बेच रही है, लाना था तेरे पे भी मेरे पे भी। क्या बात कर रहा है बिट्टू, मैं उस खंबे की बात नहीं कर रही हूँ, बिजली का खंबा। मोहल्ले में बिजली का खंबा चाहिए, सिद्धू जी समझाओ इसे। सॉरी दादी, मैं भटक गया था। दादी के लिए जोरदार तालियां। वाह, और नहीं तो क्या, अंधेरे में पानी ज्यादा पड़ जाता है, पैक ज्यादा पड़ जाता है, फैल जाता है। तेरी हरकतें ऐसी, मेरे को पहले पता था, घूम फिर के दारू के ऊपर जाएगी तू। लानत है तेरे जैसे नागरिकों पर, भ्रष्ट कहीं की। पैग में पानी ज्यादा की चिंता है इसको, देश में जो सूखा पड़ रहा है उसकी तरह को कोई चिंता नहीं है। सूखे की तो मुझे भी चिंता है बिट्टू, जब भी गला सूख जाता है झट से तर कर देती है। दादी एक काम कर, पूरे मोहल्ले में जाके खबर फैला दे कि वोट देनी बिट्टू शर्मा को, मैं तेरा शाम को गला तर करूंगा। जा, सच पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम मोहल्ले में क्या, मैं तो पूरे शहर में तेरा शैंपेन कर दूंगी। शैंपेन ही कैंपेन होता है बुड्ढन। क्या अच्छा, वही वही नमूना दिखाओ। हाँ हाँ, गली गली में शोर है बिट्टू शर्मा। तेरा दिमाग खराब है, इलेक्शन है, मुझे तो झूठ बोलना है। ठीक है ठीक है, ये वाला कैसा रहेगा? हमारा नेता कैसा हो, बिट्टू शर्मा कैसा हो, ये ठीक है? हाँ, चलो मैं लेकर आई हूँ। मैंने सुना था आज तक कि दारू के नाम पे वोट खरीदे जाते हैं, आज मैंने करके भी दिखा दिया। वाह, मेरे नाम पे जोरदार तालियां। हेलो मिस्टर बिट्टू शर्मा, आप ही हैं? वाह, मेरे भी पोस्टर भी लगे, लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं। जी मैं ही हूँ। आप कौन? मैं आपके नौकर राजू की वाइफ रजनी। रजनी? हाँ जी, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। तो फिर आप रख लो। नहीं वैसे मेरा नाम मुकंदी है, आपको पता है, जैसे शर्मा की वाइफ का नाम होता है शर्मी, वर्मा की वाइफ का नाम होता है वर्मी, इसी तरह राजू की वाइफ का नाम रजनी। शुक्र है राजू का सरनेम चड्डा नहीं था, तो आपकी शक्ल तो राजू से सेम मिलती है, ऐसे कैसे? तो मियां बीवी की शक्ल आपस में मिलेगी और भाई बहन की मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए। हाँ जी। आप तो गांव में रहती थी, तो आप शहर में कैसे आ गई? वो गांव में तो मैं शादी के बाद गई ना। अच्छा। पहले मैं शहर में रहती थी, इतनी प्रॉब्लम थी ना गांव में, सच में आपको मैं क्या बताऊं ना, वहाँ डिस्को ना टॉयलेट। आपको तो चलो टॉयलेट तो बंदा 3-4 दिन ना जाए तो चल जाता है, डिस्को में एक दिन ना जाओ, मेरे को खट्टे खट्टे कार आने शुरू हो जाते हैं। डिस्को जाती थी? हाँ बिल्कुल। डिस्को में जाके क्या करती थी? अंडे बेचती थी। आपको नहीं पता डिस्को में जाकर क्या करता है, डांस करता है, डांस। आपको पता नाना करते भी मेरा 3-4 हजार बन ही जाता था। अबे बेवकूफ आदमी की औरत, डिस्को नहीं कहते उसको, बाहर कहते हैं, पैसे होते हैं यहाँ पे। अरे रब्बा, वो बार डांस होता है। हाँ राजू ऐसा निकला, आपको पता मैं तो अच्छे करके, मुझे तो पता नहीं चलता, आपको पता इतना निकम्मा है। 2 हमारे बच्चे हैं, वो भी सिर्फ मेरे। आपको मैं क्या बताऊं, लोगों के घर में मैंने कैसे काम कर करके उनको पाला है। आप रोइए मत, आप रोइए मत, बड़ी भयानक लग रही है, आप रोइए मत। अब ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप ना इलेक्शन के बाद ना राजू को अपना पीए बना लें। राजू को अपना पीए बनाओ, अपने नौकर को? हाँ। क्यों? लोग जीतने के बाद अपने नौकर को मंत्री बना देते हैं, आप हारने के बाद उसको अपना पीए नहीं बना सकते हो? शर्मा जी कह रही है कि आपकी लड़ाई हो गई। अब पे लड़ाई नहीं हुई, दादी तो पी के दिमाग खराब होगा उसका। इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं, घर में हाथ धोने के लिए साबुन है नहीं, चले इलेक्शन लड़ने। तो साबुन का इलेक्शन से क्या लेना देना? वोट मांगने के बाद हाथ गंदे हो जाते। अबे एक बार जीतने दे मेरे को, घर में इतने साबुन रखूंगा, इतने साबुन, सुबह ब्रेड के बीच में साबुन डाल के खाया करना। वाह, आप संघर्ष करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड। तू मेरे साथ है इसलिए तो संघर्ष कर रहा हूँ मैं। इसकी सपोर्ट भी मिलती है तो मेरे को डर लगता है। आपको पता बाजी, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे अनसक्सेसफुल होने के पीछे इसके दोनों हाथ, चारों होट हैं। और सही बात है, पापा जी को इनको मिल जाएगा। न्यूज़ भी बड़ी अजीब अजीब से होंगी कि शर्मा जी 5000 टुल्लुओं से पीछे चल रहे हैं। राजू, तुमने बुआ के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये राजू नहीं है, राजू की बीवी रजनी। हाँ, इसकी शक्ल तो राजू से मिलती जुलती है। हाँ, तो जब आपस में प्यार होता है शक्लें मिलने लगती है, जैसे तेरा और बकरी का प्यार है तो। शाबाश दादी, अब तुम लोग मेरे साथ मेरे समर्थन दो। मैं भाषण देने की प्रैक्टिस करता हूँ। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई और बहनों, मैं आपका अपना नेता बिट्टू शर्मा। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके प्यार की वजह से हूँ। अच्छा, ये लो, बाल पूछ के इसे मैंने बड़ा किया और ये क्रेडिट जनता को दे रहा है। भूल गया तू, इत्तू सा था। इत्तू तो सारे इत्तू से होते हैं। कौन वोटर कार्ड बना के पैदा होता है बता मेरे को, ऐसे बोलना पड़ता है। अच्छा भाई और बहनों, मैं जो भी हूँ आपके ये बुटन दादी के प्यार की वजह से हूँ। आप मुझे इलेक्शन जिताइए, मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ रहूंगा। हाय, मुझे हमेशा शक था कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। तुम सबके साथ होगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? दिल करता है ये माइक ना तेरे ग्रामोफोन जैसे मुंह पे मारूं मैं। भूखे नंगों का परिवार देश को तरक्की नहीं करने दे रहे, ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसे भाषण दे दो मेरे को। भाइयों और ये गिटार वाले की बहनों, भाई और बहनों, मुझे वोट नहीं दिया तो एक मिनट। यहाँ पे बिट्टू कौन है? बिट्टू देखा कितनी मेरी पॉपुलैरिटी, बाहर से लोग समर्थन दे रहे आ रहे हैं। मैं ही हूँ बिट्टू। तुम कौन हो बदतमीज? माई सेल्फ बिट्टू। अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलते हो? माई सेल्फ बिट्टू नहीं, माई सेल्फ बिट्टू होता है, माई सेल्फ बिट्टू। अब बताओ तुम कौन हो? देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। लिटिल बिट कंफ्यूजन नहीं, देयर इज अ लिटिल बिट्टू कंफ्यूजन, माई सेल्फ बिट्टू। ये देख लो बाजी, इलेक्शन में भी खड़ा हूँ, लोग मेरे नाम यूज करने लगे। हट, मेरा नाम भी बिट्टू बहुत पहले से है, और जो टिकट मिला है ना इलेक्शन का, वो बिट्टू शर्मा को नहीं, बिट्टू वर्मा को मिला है। वो टिकट वापस लेने आया हूँ, वो टिकट मुझे वापस चाहिए। अब मैं जान नहीं करता तेरी वापस टिकट, चल हट। सोच ले, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं असली नेता हूँ, मैं जनता के लिए काम करूंगा, समझे? मैं लड़कियों को फ्री में मोपेड दूंगा, ऑटो रिक्शा जैसा तेरा मुंह, और लड़कियों को मोपेड बांधने का दूंगा। मुंह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाइयों और बहनों, मित्रों, हम जनता को पानी देंगे। अबे वो जनता है क्या गमला जिनको पानी देगा? बे तेरे पास इतना पानी, अपना मुंह क्यों धोके? अबे बहुत हो गई बकवास, लेकिन मैं असली नेता हूं, मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं लड़कियों को फ्री एजुकेशन दूंगा। दादी, बिट्टू, इसको तो बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, निकलने हमारा कुछ नहीं बनने वाला। मैं तो कह रही हूं, तो कुछ अलग बेच, डिफरेंट कुछ भी, तुझे भी रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, शुरू हो जा। भाई और बहनों, या पेश है आपके लिए कुमार शानू की आवाज। के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा, मैं बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाऊंगा। ये लोगों को रोजगार दिलाएगा, लोग काम करेंगे, लोग थक जाएंगे, मैं मालिश सेंटर फ्री करा दूंगा। लेकिन मैं देश का असली नेता हूं, मैं जनता की सेवा करके रहूंगा, मैं जनता के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक लड़ता रहूंगा। बिट्टू कुछ अलग निकाल। भाई और बहनों, मेरे देशवासियों के लिए पेश है नाना पाटेकर साहब की आवाज। अरे आ गए साले वोट मांगने। अरे इलेक्शन का मौसम हुआ नहीं, आ गए मेंढक की तरह बाहर निकल रहे। अरे ये कुप्पे जैसा मुंह निकल के भाग जाए, तेरे को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इस देश की जनता का असली मुद्दा है महंगाई, और वो महंगाई मैं खत्म करूंगा। अबे जात तू क्या महंगाई खत्म करेगा? महंगाई तो हमारे बाप दादा के जमाने से चलती आ रही है, वो इसके ऊपर कवाली भी लिखे गए थे। अबे महंगाई खत्म करने वाला बड़ा है।